दोस्तों नमस्कार, मैं समीर चतुर्वेदी। दोस्तों आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी जानकारी। दोस्तों बहुत से लोगों का क्वेश्चन हो रहा था कि गर्मी का मौसम है सर, गर्मी में रनिंग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो रनिंग की जगह पर क्या कर सकते हैं, और रनिंग की जगह कुछ और ऐसा है कि जिससे और ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो दोस्तों इस वीडियो में ये सब जानकारी लेकर मैं आज आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ कि गर्मी में सच में रनिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है और एनर्जी की भी कमी फील होती है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि जो लोग योगा नहीं कर पा रहे हैं और रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि जो कई लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर हम लोग रनिंग कर रहे हैं और योगा कर रहे हैं और हमको लाइपोमा में कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कई बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि लाइपोमा में फ़ायदा तभी होगा जब दवा के साथ आप रनिंग करोगे और योगा करोगे। अकेले रनिंग करने से, अकेले योगा करने से और अकेले फैट लॉस होने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि हमको दवा के साथ ही ये सब चीज़ें करना है। दवा के बिना अगर आप फैट लॉस करोगे या रनिंग करोगे या योगा करोगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो में वही सब बताने जा रहा हूँ कि जो लोग रेगुलर दवा ले रहे हैं और रनिंग करने में जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों दवा का डोज गर्मी में थोड़ा कम करना है। अगर आप पानी बहुत अच्छा पीते हो तो दवा का डोज वही रहेगा, और अगर आप पानी कम पीते हो तो दवा का डोज एक टाइम करना है। जो मैं आपको ग्रीन वाली दवा बताता हूँ 2 टाइम पीने के लिए, उस दवा को एक टाइम ही लेना है आपको, दोनों टाइम नहीं लेना है। और रनिंग की जगह पे आप लोग स्विमिंग कर सकते हो। दोस्तों स्विमिंग करने से हमारी ब्रीथ बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिससे हमारा योगा भी होता है और रनिंग की कैपेसिटी भी होती है। तो योगा करने से सबसे ज़्यादा फायदा होता है लाइपोमा में। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि रोज़ रोज़ स्विमिंग करने में भी लोगों को दिक्कत होती है, रोज़ रोज़ स्विमिंग करने के लिए जाना और वहाँ समय ज़्यादा वेस्ट होता है। तो दोस्तों रनिंग वीकनेस अगर हो रही है आपको, रनिंग करने में दिक्कत हो रही है, तो स्विमिंग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और स्विमिंग से अच्छा रिजल्ट किसी चीज में नहीं मिलता है। मैं खुद स्टार्टिंग में स्विमिंग किया था 3 से 6 महीने, जिस समय मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, जिस समय मैं अपने लाइफ में ठीक कर रहा था 6 6 मंथ, तो मैं रनिंग के साथ साथ स्विमिंग भी किया था। तो एक टाइम मैं स्विमिंग करता था, एक टाइम मैं रनिंग करता था। तो दोस्तों कुछ टाइम तक मैंने रनिंग नहीं की थी गर्मी के कारण से, ओनली स्विमिंग करता था, और स्विमिंग में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो दोस्तों जो लोग रनिंग करने में जिनको दिक्कत हो रही है तो वो लोग स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग करने का जो टाइम रहेगा वो आधा घंटा से लेकर 1 घंटा रहेगा। रेगुलर स्विमिंग करनी है, अकेला पानी में बैठना नहीं है, स्विमिंग में कुछ ना कुछ हाथ पैर चलाते रहना। जो भी जो लोग स्विमिंग कर लेते हैं वो स्विमिंग करेंगे, और जो लोग स्विमिंग नहीं करते हैं तो स्विमिंग करने की ट्राई करेंगे, स्विमिंग करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, जिससे भी हमारा योगा और रनिंग दोनों की प्रोसेस हो जाती है। हमारी ब्रीथ को फास्ट होना चाहिए, ऐसी प्रोसेस करनी होती है। कह लो रस्सी भी कूदना स्टार्ट किए हैं तो रस्सी कूदना भी बहुत अच्छा है, लेकिन रस्सी स्लो नहीं करना है, रेगुलर करना है। और रेगुलर कम से कम 100 टाइम्स, 15 टाइम्स, 50 टाइम्स करना है आपको, और करीबन 4 से 5 सेट लेना है। तो रस्सी भी कूद सकते हो, अगर आप रनिंग नहीं कर पा रहे हो तो भी आपका काफ़ी काम चल जाएगा दोस्तों, लेकिन रेगुलर करना है, रोज़ करना है। दोस्तों तो ये तो मैं आपको बता दिया कि रनिंग की जगह पर हम क्या करें, स्विमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग से रिजल्ट भी बहुत फास्ट मिलता है, रनिंग से ज़्यादा फास्ट मिलता है। और दोस्तों बहुत से लोगों का कई लोग बोल रहे हैं सर हमारा पैरों का लाइपोमा तो ठीक हो रहा है लेकिन हाथ का और शरीर का लाइपोमा ठीक नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हाथों का लाइपोमा मैं शुरू से बोलता हूँ कि हाथों का लाइपोमा थोड़ा सा लेट में ही ठीक होता है, सबसे लेट हाथों का लाइपोमा ठीक होता है, और सबसे जल्दी पैरों का और पेट का लाइपोमा सबसे जल्दी ठीक होता है। और बहुत से लोग लाइपोमा किस तरह से ठीक होता है वो भी नहीं समझ पाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि गांठें जो है वो छोटी होती जाएंगी, तो दोस्तों गांठें छोटी नहीं होती हैं। कोई भी दवा हो, कोई भी दवा किसी को सूट कर रही हो, गांठें जो होती हैं वो छोटी नहीं होती हैं। लाइपोमा धीरे धीरे अंदर की तरफ बैठता जाता है और स्किन में सॉफ्ट होकर वो स्किन जैसा हो जाता है, और स्किन की तरह ही वो कुछ समय बाद स्किन की तरह महसूस होता है। साइज उसकी कभी कम नहीं होती है दोस्तों, वो केवल स्किन में मेस हो जाता है, पूरा स्किन में श्रिंक होते होते स्किन में मिल जाता है। कभी भी आप सोच रहे हो आपका लाइपोमा छोटा इतना बड़ा है, वो छोटे छोटे इस तरह से होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपका लाइपोमा अगर ऐसा है तो धीरे धीरे वो स्किन में ऐसे बैठता जाएगा, मतलब ऐसा उठा हुआ है तो धीरे 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 ऐसा बैठता जाएगा, लेकिन उसकी जो साइज है वो साइज इतनी ही रहेगी, वो ऐसा बैठते 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 स्किन में मिल जाएगा। इस तरह से लाइपोमा ठीक होता है दोस्तों। छोटा होने की उम्मीद ना करें, छोटा अगर इतना बड़ा तो ऐसे ऐसे छोटा छोटा होता जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। लाइपोमा जो है वो सीधा सीधा धीरे धीरे स्किन में बैठता जाएगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं कि आपको करना है। दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें मैं आज आपको और बता रहा हूँ कि बहुत से लोग बिल्कुल कम डाइट कर दिए हैं, बहुत से लोग तो बिल्कुल कम डाइट नहीं करना है दोस्तों। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि अगर अकेला हम फ्रूट खाएंगे तो हमारा लाइपोमा बहुत जल्दी ठीक होगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप अकेला फ्रूट्स खाओगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, बॉडी में लुब्रिकेशन नहीं रहेगा, बॉडी में विटामिन की कमी रहेगी, जिससे आपको खुद वीकनेस भी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, आप रनिंग नहीं कर पाओगे, योगा नहीं कर पाओगे और फिट महसूस
नहीं करोगे, क्योंकि लाइपोमा को ठीक करने के लिए मेटाबॉलिज्म जरूरी है अच्छा होना, और मेटाबॉलिज्म अच्छा खाने से ही होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करने से होता है, और टेस्टोस्टेरोन जो लेवल जो होता है थोड़ी सी चिकनाहट जाने से ही होता है। थोड़ी सी बॉडी में चिकनाहट जाना जरूरी है। जो लोग बिल्कुल ही चिकनाहट बंद कर दिए ऐसा ना करें दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको खाना खाना है, सलाद में थोड़ा सा घी भी डालना है और थोड़ा सा सब्जी में जो ऑयल डलता है वो खाना है, थोड़ी सी रोटी भी खाना है। बहुत से लोगों को बताया तो बहुत से लोग बोलते हैं सर हम तो ओनली फ्रूट डाइट कर रहे हैं, तो फ्रूट डाइट ओनली नहीं करना है, थोड़ा सा आपको अच्छी डाइट करना जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बड़ा रहे और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बहुत अच्छा रहे। दोस्तों मस्टर्बेशन बिल्कुल नहीं करना, अगर आप मस्टर्बेशन करोगे और खूब खाओगे तो भी आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, मस्टर्बेशन से भी लाइपोमा बढ़ता है दोस्तों, नया भी होता है, तो मस्टर्बेशन से आप बचें दोस्तों, इस चीज़ का बचें ध्यान रखें। दोस्तों मैं इस वीडियो में एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको कि किन लोगों को रिजल्ट स्लो मिलेगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपनी बॉडी पे ध्यान रखना है कि अगर आपका पेशाब पीला आ रहा है तो दोस्तों समझ जाइए कि आपको मेरी दवा का रिजल्ट स्लो मिलेगा। इसका कारण क्या होता है कि बॉडी में एसिड बढ़ा हुआ है, बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है, बॉडी में गर्मी बढ़ी हुई है, पानी की कमी है बॉडी में, और बॉडी जो प्यूरीफाई होती है, कोई भी दवा जब काम करती है तो बॉडी में वाटर लेवल होना बहुत ज़्यादा अच्छा जरूरी होता है। तो आप बहुत अच्छी तरह से पानी पी, आपका पेशाब बिल्कुल पीला नहीं होना चाहिए। अगर आपका पेशाब पीला है तो दोस्तों दवा प्रॉपर काम नहीं करेगी। इसके बाद दोस्तों अपने मल पर ध्यान रखना है। अगर कई लोगों का लैट्रिन करने में ताकत लगाना पड़ती है, अगर कई लोगों को लैट्रिन करने में ताकत लगाना पड़ रही है, पूरी तरह से लैट्रिन नहीं उतर रही है, कई लोगों का मल जो है वो बिखरा बिखरा आ रहा है, कई लोगों का जो मल है वो टाइट आ रहा है, या कई लोगों का मल जो है वो डार्क कलर का आ रहा है, कई लोगों का मल जो है बहुत ज़्यादा चिकनाहट आ रही है, अगर ऐसी कंडीशन हो रही दोस्तों तो आपका लाइपोमा बहुत स्लो में ठीक होगा और नया लाइपोमा होना बंद नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये अपना बॉडी के अंदर की पहचान है। हमारा बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, हमारा लीवर जो है वो हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो पूरे बिगड़े हुए हैं, जिससे हमारा मल बताता है कि हमारे बॉडी के हार्मोन्स बिगड़े हैं कि सुधरे हुए हैं। तो आपको ये समझना है कि अगर आपका मल की प्रोसेस इस तरह की है, अगर आपके पेशाब इस तरह का दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि मेरी दवा जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है और आपका लाइपोमा बहुत स्पीड से ठीक नहीं हो रहा है। इसको ठीक कैसे करें, इसको क्या करना है, तो मैं आप लोगों को दोस्तों बताता रहता हूं, मैं दवा चेंज कराता रहता हूं, डाइट चेंज कराता रहता हूं। जिन लोगों की बहुत कम डाइट होती है उन लोगों के कारण उन लोगों को भी ये प्रोसेस होती है। जो लोग बिल्कुल रोटी चावल बंद कर देते हैं उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होने लगती है कि उन लोगों का मल रुक जाता है, बहुत अच्छी तरह से पेट साफ नहीं होता है। मैं सब लोगों को बोलता हूं कि मुझसे बात करते रहें, लेकिन बहुत से लोग हैं दवा लेकर बस वो सब कुछ करने के लिए लग जाते हैं, वो मुझसे बात नहीं करते हैं, ना रेगुलर बताते हैं कि सर हम ऐसा फील कर रहे हैं, हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारा किस तरह से प्रोसेस चल रही है, लाइपोमा में कैसा फील कर रहे हैं। सब लोगों को मैं बोलता हूं मुझसे हर हफ्ते में 15 दिन में आप चैट करते रहें, कॉल ना लगाएं दोस्तों मुझे, मैं दिन भर मुझे इतने कॉल आता है, मैं किस किस से बात करूंगा, खुद सोच के देखिए। मैं बार बार बोलता हूं कि मुझे व्हाट्सएप पर ही चैट करें और सब अपने बारे में बताएं कि कैसा फील कर रहे हो, कैसा उनका लाइपोमा में कैसा किस तरह से प्रोसेस चल रही है, कितना सॉफ्टनेस आ रही है, कितना कम हो रहा है, रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, नया होना बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको बताना है। और दोस्तों कुछ लोगों को ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को लाइपोमा बहुत ज़्यादा पुराना है तो वो लोग दोस्तों 3 महीने वाली दवा मत लें, 6 महीने वाली दवा लें, क्योंकि जो 6 महीने वाली जो दवा देता हूँ मैं वो ज़्यादा पावरफुल होती है, तो 3 महीने वाली जो दवा रहती है वो थोड़ी कम पावरफुल होती है, और 6 महीने वाली दवा में कुछ और भी प्रोसेस करनी होती है, 3 महीने वाली जो दवा रहती है उसमें कुछ और प्रोसेस करनी रहती है। जैसे कि मैं मार्केट से भी कुछ दवा लेने के लिए बोलता हूँ, त्रिफला वगैरह और साफी वगैरह भी साथ में लेने के लिए बोलता हूँ, तो ये 3 महीने वाली दवा के साथ लेना पड़ता है, तो 6 महीने वाली दवा जो होती है उसमें कुछ नहीं लेना होता है, ओनली एक प्रोडक्ट ही है जो उसको लेना पड़ता है, उसको आप जल्दी से रिजल्ट मिलता है। और जो 6 महीने वाली दवा होती है, जितने भी लोग 6 महीने वाली दवा लिए हैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, जो 3 महीने वाली दवा लिए हैं उनको थोड़ा सा कम रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों जिनका पुराना लाइपोमा है इस चीज़ को समझें कि आप कई लोग सोचते हैं कि हम 1 महीने की दवा लेकर चेक कर लें, 2 महीने की दवा चेक कर लें, इसमें दोस्तों ज़्यादा मत सोचें। अगर आपका पुराना लाइपोमा है तो आप 6 महीने वाली दवा ही यूज़ करें, 3 महीने वाली दवा यूज ना करें दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों मैं कुछ लोगों के क्वेश्चन और हैं कि बहुत से लोग बोल रहे हैं सर कि हम अभी रोजा में रूटीन नहीं रख पा रहे हैं तो क्या करें। तो दोस्तों रोजा में मैं एक वीडियो बनाया भी था रोजा में कि लोगों को जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उन लोगों को डाइट कैसे करना है, तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि रमजान के महीने में किस तरह से आपको डाइट फॉलो करना है और किस तरह से आपको दवा लेना है। एक टाइम ही दवा लेने के लिए बोला हूं और रेगुलर दवा नहीं लेना है, जो मेरी वाली दवा है उसको वो दवा लेना है, मार्केट से जो दवा लेने के लिए बोला हूं वो दवा नहीं लेना है, ओनली मेरी वाली दवा यूज़ करना है और एक टाइम ही यूज़ करना है। रनिंग कम करनी है, स्विमिंग कर सकते हो, योगा रेगुलर कर सकते हो, और रनिंग पे थोड़ा सा कम करना है, एकदम से रनिंग नहीं करना क्योंकि इसमें पानी भी नहीं पीना होता है, तो दोस्तों पानी की कमी से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर दोस्तों कुछ और भी पूछना चाहते हो, कुछ और जानकारी लेना चाहते हो, तो मुझसे व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 8982752782। और दोस्तों कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि हम ऑपरेशन करवा के निकलवा सकते हैं कि नहीं निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों बेशक ऑपरेशन करवा के निकलवा सकते हैं, ऑपरेशन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑपरेशन करवाने से आपका नया लाइपोमा नहीं रुकता है,
पूरे शरीर में ऑपरेशन कैसे करवाओगे दोस्तों। और बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है कि लाइपोमा निकलवाने की प्रोसेस क्या क्या होती है। तो दोस्तों मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं, तो जो लोग बोलते हैं कि जो एक जगह से सारे लाइपोमा निकलवाए जाते हैं वो प्रोसेस ठीक होती है कि नहीं होती है, तो दोस्तों कभी भी उस प्रोसेस से लाइपोमा ना निकलवाएं। जो एक रॉड डालकर बॉडी के अंदर लाइपोसेशन किया जाता है, वो बॉडी के चारों तरफ घुमा घुमा कर चारों तरफ उसके लाइपोमा निकलवाए जाते हैं, वो वाला प्रोसेस से कभी लाइपोमा ना निकलवाएं। उस प्रोसेस से लाइपोमा की जड़ें पूरी तरह से नहीं निकल पाती हैं और जैसे थोड़े से लाइपोमा रह जाते हैं और वो दोबारा रीग्रोथ करते हैं। जिस प्रोसेस में थोड़ा सा स्टिच करके छोटा सा टांका लगा के पर्टिकुलर उसी जगह का लाइपोमा निकलवाया जाता है, उस प्रोसेस से लाइपोमा निकलवाएं दोस्तों, वही प्रोसेस सक्सेस है। एक जगह लाइपोसेशन करा के सारी जगह का लाइपोमा जो निकाला जाता है उस प्रोसेस कभी भी लाइपोमा नहीं निकल पाए दोस्तों, ये बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है। और दोस्तों लाइपोमा निकलवाने के पहले आपको लाइपोमा रोकना चाहिए, आपको एक मेडिसिन ऐसी पर्टिकुलर आपको समझना होगा कि आपकी मेडिसिन आपके लिए काम कर रही है, आपका लाइपोमा कम हो रहा है और नया लाइपोमा होना बंद हो गया है, ऐसी मेडिसिन 6 महीने यूज कीजिए, उसके बाद आप लाइपोमा निकलवाइए। उससे लाइपोमा आपका इजीली भी निकल जाएगा, क्योंकि जब लाइपोमा जब छोटा होता है और ठीक होने की पोजीशन में होता है तो वो अपनी जड़ों को छोड़ने लगता है, उसकी जड़ें छोटी हो जाती हैं जिससे लाइपोमा निकालने में सरलता होती है। तो दोस्तों लाइपोमा को जब निकलवाएं तो 6 महीने पहले ट्रीटमेंट कर लें, उसके बाद निकलवाएं, जिससे क्या होगा आपका लाइपोमा रुक जाएगा और लाइपोमा को निकलवा सकते हैं। और कभी भी लाइपोमा ट्रीटमेंट करने के पहले नहीं निकलवाना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। मैं तो ये बोलता हूं कि अगर जो आपका लाइपोमा बड़ा बड़ा जो दिख रहा है उसको निकलवा लो, छोटा लाइपोमा आप दवा से ही ठीक करो, क्योंकि पूरी बॉडी में कहां तक आप ऑपरेशन करवाओगे दोस्तों, क्योंकि लाइपोमा परमानेंट इलाज नहीं है, एक टेम्परेरी इलाज है। जो हमको दिख रहा है उसका लाइपोमा निकाल सकते हैं, लेकिन अंदर से होने के लिए हम लाइपोमा को मेडिसिन से ठीक करना होगा, हमको योगा करनी होगी, डाइट पर ध्यान रखनी होगी, और इसके बिना कोई और तरीका नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग दोस्तों मुझसे कुछ और भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि बहुत से लोग मुझसे पूछे हैं कि लाइपोमा ठीक होने के बाद दोबारा होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों लाइपोमा ठीक होने के बाद भी दोबारा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बॉडी का जो नेचर बन चुका है दोस्तों वो नेचर ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो लाइपोमा ठीक होने के बाद रेगुलर 4-5 साल तक वही रूटीन अगर रखी जाए तब लाइपोमा दोबारा नहीं आता है। अगर आप सोच रहे हो कि लाइपोमा आज हमारा पूरी तरह से ठीक हो गया और अगले दिन से आप बहुत ज़्यादा डाइट को खराब करोगे, रूटीन को खराब करोगे, तो दोबारा लाइपोमा आपका आ सकता है। तो लाइपोमा को दोबारा ना होने के लिए जो मैं डाइट बताता हूँ, जो मैं दवा बताता हूँ, जो मैं लाइफस्टाइल बताता हूँ, उसको आप 4-5 साल रेगुलर आपको रखना होगा, उसके बाद आपको बिल्कुल डर नहीं रहेगा कि लाइपोमा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों मेरे साथ खुद ऐसा हुआ, जब मेरा लाइपोमा ठीक हुआ उसके बाद मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो मुझे फिर से फील होने लगा कि मेरा लाइपोमा कहीं कहीं आ रहा है। उसके बाद फिर से मैं ट्रीटमेंट किया, 3-4 महीने मुझे फिर लगे ठीक होने के लिए, फिर मैं उसके बाद दोबारा 6-8 महीने तक मैं ध्यान नहीं बिल्कुल ध्यान रखा, उसके बाद फिर मैंने थोड़ी डाइट बढ़ाई और जिम भी की, उसके बाद मेरा लाइपोमा नहीं आया दोबारा, कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो दोस्तों जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस गलत भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन जो मैं अपने लाइपोमा ठीक किया हूँ औरों का ठीक किया हूँ वही एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और कुछ भी चेंज हो सकता है दोस्तों, लेकिन मैं जो अनुभव किया हूँ वो आपको बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन जो मेरा अनुभव है मैं दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल फॉलो करिए, अगर आपको अच्छा फॉलो नहीं करता है दोस्तों तो आप कहीं दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं।